जब इजाज खान ने पति अभिनव पर लगाया इल्जाम तो पत्नी भड़क उठी। जी हाँ, रुबीना दिलैक। क्या है पूरी बात, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फिल्म विंडो। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस 14 का जो कल वीकेंड का वार था, उसमें हमने देखा किस तरीके से पूरा जो वीकेंड का वार वो सिर्फ और सिर्फ रुबीना दिलैक पर था। किस तरीके से पहले उन्होंने बगावत की बिग बॉस के खिलाफ कि वो उस टास्क का हिस्सा नहीं बनेंगी, कि किसके दिमाग में सबसे ज्यादा कचरा है। फिर उसके बाद सलमान खान से भी उनकी बहुत ज्यादा बहस हुई और सलमान खान भी उन्हें समझाते डांटते समझाते, ये सारी चीजें नजर आई। अब हमने कल देखा वीकेंड का वार जो हुआ, उसमें जब सलमान खान ने बोला कि आप अपने अपने जिस कंटेस्टेंट को, फ्रेशर को कटघरे में खड़ा करना चाहते हो खड़ा कीजिए और उनसे सवाल जवाब कीजिए, तो उस दौरान इजाज खान ने रुबीना दिलैक को बुलाया कटघरे में और उनसे पूछा, उनसे कई सारे सवाल पूछे। बोले कि आपको क्या मुझसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है? मैं आपसे जितनी दोस्ती आप दोनों से बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, एक नॉर्मल भाई है वो मेरे, अभिनव भाई है, तो मैं एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहता हूँ आप दोनों से। तो रुबीना ये कहते हुए नजर आए कि मैं आपसे अनकंफर्टेबल, आपके साथ अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। जब टास्क के दौरान जो वो आपका एक अलग रूप दिखता है, एक इंटीमेटेड साइड आपका जो दिखता है, जिससे मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हूँ, फिर उस पर इसीलिए मैं आपसे दूर रहना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं आपसे नहीं बात करती। इस तरीके की बातें कही रुबीना ने। फिर उसके बाद इजाज कहते हैं कि मतलब रुबीना एक और बात कहती है कि टास्क जीतने के लिए आप कोई भी हद पार कर सकते हैं, कोई भी हद पार कर सकते हैं। जिसपे एजाज खान कहते हैं उनसे कि आपके जो पति हैं अभिनव, टास्क के दौरान उन्होंने पवित्र पुनिया की का टॉप खींचा था, टॉप खींचा था। तो जिस पर रुबीना भड़क जाती है और कहती है कि ये आप लालछन लगा रहे हैं मेरे पति पर, ये गलत है, ये गलत बात है। फिर उसके बाद कहती है कि इस चीज के लिए आपने जो किया है, जो आपने जो बातें कही है मेरे पति को लेकर, आप इज्जत खो चुके हैं, आपने इज्जत खो दिया है, इस तरीके की बातें कहती है रुबीना। तो ये जो पूरा एपिसोड हुआ, जिस तरीके से इजाज ने पति पर लगाया उनके इल्जाम और पत्नी भड़क उठी, हमने देखा है कि कितनी बार घर में दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आए। ऑब्वियसली ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप जिससे प्यार करते हो उसका साथ दोगे ही दोगे। तो इस तरीके से बातें हुई। कल मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, मुझे बताइए इजाज का जो ये आरोप था, इल्जाम था अभिनव पर, ये सही था या गलत? और रुबीना का जो जवाब मिला इजाज को, वो कितना आपको सही लगा, मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। और देखते रहिए फिल्म विंडो इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।